हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरा चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद घरती। आज क्लासिक कॉकटेल अनबॉक्सिंग की सीरीज में फिर से मैं एक क्लासिक कॉकटेल लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि इस कॉकटेल को कैसे बनाई जाती है और इसके बारे में क्या स्टोरी है और क्या हिस्ट्री है, किसने बनाई, कहाँ बनाई, क्यों बनाई। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये इन सब के बारे में। तो आज क्लासिक कॉकटेल अनबॉक्सिंग में हम कॉकटेल लेकर आए हैं एस्प्रेसो मार्टिनी। तो गाइस, एंड तक वीडियो देखते रहिए। एस्प्रेसो मार्टिनी, इसको दूसरे शब्दों में वोडका एस्प्रेसो के नाम से जाना जाता है। ये मार्टिनी नहीं है और ना ही ये मार्टिनी कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसमें ना कोई जिन जाती है और ना कोई वर्मू जाती है। लेकिन ये मार्टिनी ग्लास में सर्व होने की वजह से, और दूसरी जो कॉकटेल्स होती हैं जो फ्लेवर्ड मार्टिनी, एप्पल, चॉकलेट, कीवी, वाटरमेलन, अदर्स, तो इस वजह से ही इसको भी एस्प्रेसो मार्टिनी बोला जाता है। इसमें एस्प्रेसो यूज किया जाता है, तो ये कैफिनेटेड एल्कोहल कॉकटेल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। वोडका 50 ml, कॉफी लिक्योर खलुआ या तिया मारिया 15 ml, 10 ml सिंपल सिरप क्योंकि स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए, और 1 strong shot शेकन मेथड द्वारा बनाया जाता है और विदाउट आइस सर्व की जाती है। चिल्ड कैफिनेटेड क्लासिक कॉकटेल एस्प्रेसो मार्टिनी। आपका वोडका एस्प्रेसो सबसे पहले डिक ब्रैडसेल ने सन 1900 की दशक के अंत में यह कॉकटेल बनाई थी। वैसे जैसे कि और क्लासिक कॉकटेल के साथ होता है कि बहुत से क्लासिक कॉकटेल हैं जिनमें लोगों ने बहुत दावा, बहुत क्लेम किया है, इसको में भी ऐसा ही कुछ सीन है। लेकिन जो कि बहुत पॉपुलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस के मुताबिक ये स्टोरी सामने आती है, जो कि मिस्टर डिक ब्रैडसेल, जिन्होंने लंदन के एक फेडस क्लब में इस कॉकटेल को सबसे पहले बनाई। सबसे पहले ये कॉकटेल उन्हीं के द्वारा बनाई गई, ये क्लेम ऑलरेडी उन्होंने कर रखा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट वाइडली वीडियोज़ है, उन्होंने उसमें इंटरव्यू के दौरान इस कॉकटेल के बारे में बताया। ये सबसे पहले कॉकटेल फ्रेडस क्लब लंदन बार में बनाई गई थी, जहाँ पर एक लेडी द्वारा डिमांड में स्पेशल कॉकटेल बनाने के लिए मिस्टर डिक को कहा गया। उनके ये शब्द थे कि वेक मी अप देन फक मी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन वाकई ये कथन उन्होंने बारटेंडर डिक को कहा था। फिर उन्होंने आमने सामने देखा और उस टाइम पर शोहो ब्रेसियर्स की बहुत सी कॉफी मशीन्स थी, और साथ ही साथ जो वहाँ के लोग थे वो ज़्यादा ही वोदका पी रहे थे, तो उस टाइम पर वो बहुत ही कंफ्यूज हुए। लेकिन उन्होंने एक कॉफी और वोडका के थ्रू ये कॉकटेल प्रिपेयर करी और लेडी को सर्व किया। तो ये थी सही कहानी एस्प्रेसो मार्टिनी बनने की अकॉर्डिंग टू एविडेंस। लेकिन उसके बाद उस लेडी के साथ क्या हुआ ये मिस्टर डिक ने नहीं बताया। एस्प्रेसो मार्टिनी ज़्यादा पॉपुलर हुई 2020 के दौरान, क्योंकि बारटेंडर लोग कुछ ऐसी कॉकटेल पसंद करते थे जो कि इजिली बन जाए और ज़्यादा स्ट्रांग हो। इसी वजह से ये 2020 से ये कॉकटेल बहुत ही प्रसिद्ध है, और आज के टाइम में भी ये बहुत सी बारों में और बहुत सी जगहों पर ये कॉकटेल सर्व की जाती है। इवन आई लाइक ऑल्सो एस्प्रेसो मार्टिनी। अब हम देखेंगे कि एस्प्रेसो मार्टिनी कैसे बनाई जाती है IBA के रेसिपी के मुताबिक, जो कि मेरे को वर्कर मिस्टर प्रमोद राय आपको अपने बार में बनाकर दिखाएंगे। तो गाइस, हैव इट यू। हेलो गाइस, मैं हूं प्रमोद राय, स्वागत है आपका मिक्सोलॉजिस्ट मास्टर चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्लासिक कॉकटेल जिसका नाम है एक्सप्रेसो मार्टिनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिलास को चिल करेंगे। तो ग्लास को हम चिल करने रख दिया है। अब हम लेंगे शेकर, जिसमें हम लेंगे पहला इंग्रेडिएंट वोडका 50 ml,
सेकंड लेंगे हम खलवा 15 ml, एंड थर्ड है हमारा वन शॉट एक्सप्रेसो। अब हमारा लास्ट आता है शुगर सिरप 10 ml। नाउ हम आइस। नाउ शेक टाइम। अब हम करेंगे ड्राई शेक। नाउ ड्राई शेक 10 to 15 seconds। नाउ पोर। अब इसको डबल फाइन से करेंगे। नाउ अब आता है हमारा लास्ट गार्निश कॉफी बीन्स, जो कि 3 beans। नाउ एस्प्रेसो मार्टिनीज रेडी। चीयर्स। Smell good.